हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो है हमारी साड़ी ड्रैपिंग को लेके, वो भी सीधा पल्लू, कि आप सीधे पल्लू की साड़ी को कैसे इजिली ड्रैप कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बाय द वे, मैं इसी साड़ी को आपको ड्रैप करके दिखाऊंगी। तो चलो देरी ना करते हुए हम सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों में हील्स या जूती या सैंडल वगैरह आप जो भी पहनते हैं आपको वो पहन लेनी है। उससे क्या होता है कि हमें हमारी साड़ी की लेंथ का मेज़र करते हैं, हमें पता रहता है कि हमें अंदर की तरफ साड़ी कितनी टक करनी है और नीचे साड़ी को कितना छोड़ना है। सो आप लोग को फर्स्ट स्टेप यही है। नाउ सेकेंड में आपको अपनी साड़ी को अच्छे से करना है ड्रैप। आप जब साड़ी को ड्रैप करते हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि साड़ी का मेज़र आप लोग कर लें और साड़ी को अंदर की तरफ टक परफेक्टली करें, जिस तरीके से मैंने किया है। मैं ऊपर नीचे से साड़ी को टक इक्वली करती हूँ, ऊपर नीचे कभी भी साड़ी को मैं टक नहीं करती हूँ। उसके बाद मेरे को मेरा पल्लू मेज़र करना था, मेरे को कितना पल्लू रखना है, क्योंकि मैं सीधे पल्ले की साड़ी कर रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा पल्लू की नीड नहीं पड़ेगी आगे की तरफ से, लेकिन मैं पीछे से लूज छोड़ूंगी तो मेरे को वहाँ पर थोड़ी सी नीड पड़ेगी। उसके बाद अभी मैं करूँगी अपनी सेंटर प्लेटिंग। मैं जब सेंटर प्लेटिंग करती हूँ तो सेंटर प्लेटिंग मैं चौड़ी करूँगी, मैं छोटी प्लेटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जो मेरी साड़ी की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं साड़ी की प्लेटिंग छोटी करूँगी और जब मैं साड़ी को अंदर की तरफ टक करूँगी तो बहुत फूला फूला रहेगा, तो वो एक प्रॉपर लुक नहीं दे पाएगा। आप लोग भी देखोगे मैं साड़ी की जो प्लेटिंग कर रही हूँ वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और मेरी साड़ी का जो फैब्रिक है जॉर्जेट का फैब्रिक है, और ये वाली जो साड़ी है ये काफ़ी बड़ी साड़ी है, तो इसलिए मेरे को कितनी सारी प्लीट्स बनानी पड़ी। आप लोग खुद ही देखो इतनी सारी प्लीट्स मैंने बनाई हैं। उसके बाद प्लीट्स बनाने के बाद मैं एक बार और अपने पल्लू को मैं सेट करूँगी, चेक करूँगी कि मेरे को इतना पल्लू काफ़ी है नहीं। तो मेरे को ये वाला जो मेरा पल्लू है इतना पल्लू मेरा काफ़ी है, क्योंकि पीछे से भी मैं थोड़ा सा लूज छोड़ूंगी तो इसलिए मैं ज़्यादा पल्लू को बड़ा नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने अपने जो सारी प्लीट्स हैं उनको इक्वली सेट किया है, क्योंकि जो मेरी साड़ी का बॉर्डर है वो थोड़ा खड़ा खड़ा है, तो इसलिए साड़ी को सेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग साड़ी को झटक झटक के बार बार सेट करके उसे अच्छे से अंदर की तरफ टक कर ले, जिस तरीके से मैंने टक किया है। और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप साइड में ले आए। अगर आपकी साड़ी में एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है तो आप वो सारा फैब्रिक आप साइड में ला सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देखो कितनी इक्वली परफेक्ट प्लेट्स बनती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी साड़ी का जो है वो आपको अपनी शोल्डर प्लेटिंग करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम आप यहाँ पे लगाएंगे अपनी सेंटर प्लेटिंग में, एक सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे हम अंदर की तरफ, जिससे हमारी जो सेंटर प्लेटिंग है वो एक जगह पर ही टिकी रहे। और जितना मेरी साड़ी का बॉर्डर है मैं उसके हिसाब से अपनी शोल्डर की प्लेट्स बना रही हूँ। इस तरीके से प्लीट्स मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से प्लीट्स बनाते हैं, बट मेरे को प्लीट्स बनाने की ऐसी ही आदत है, तो मैं इस तरीके से प्लीट्स बनाऊंगी। और आप लोग देखोगे एक बार में मेरी प्लीट्स कितने ज़्यादा सुंदर बन के आई है। अगर आप लोग भी रेगुलर साड़ी हफ्ते में 2 से 3 बार भी ट्राई करोगे तो आप लोगों को भी बहुत जल्दी साड़ी को ड्रैप करना आ जाएगा। साड़ी ड्रैप करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत सी साड़ी होती है जिनका कपड़ा बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, वो साड़ी को हम ड्रैप नहीं कर पाते हैं ईजिली। उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर से साड़ी को ड्रैप करना सीख जाएंगे। और आप लोग देखो कितनी अच्छी शेप आई है साड़ी की। और उसके बाद जब भी आप ऐसी मतलब साड़ी को ड्रैप करते हो तो आप अपने पल्लू को थोड़ा आगे खींच खींच के कुछ सेट कर करके उसे इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इक्वली, जिस तरीके से मैं अपने पल्लू को आगे खींचती हूँ। आपने मेरी ज़्यादातर वीडियो में देखा भी होगा, मैं अपने पल्लू को कुछ इसी तरीके से सेट करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारे पल्लू का जो लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक आता है। उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे कर लिया अच्छे से सिक्योर, और जो ये वाला कर्व आया है वो बहुत अच्छा आया है। उसके बाद हम अपने जो हमने सेंटर प्लेटिंग शोल्डर प्लेटिंग की है वहाँ से कॉर्नर उठाएंगे और उसे अपने साइड में जहाँ से हमारा कर्व आया वहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से उसे टक कर लेंगे। आप लोग देखो कितना प्यारा लुक आया, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो ये है मेरा फाइनल लुक। बाय द वे आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताना। और मुझे मेरा लुक अच्छा लगा है, सच्ची में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में मेरा लुक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बाय द वे जो मेरी साड़ी का फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है, और इससे ये साड़ी इसमें 4 चांद लग गए हैं इसके फैब्रिक से इसको स्टाइल करने में। सो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।